है, उस तरह से उस परमेश्वर की जितनी बड़ाई करें जितना धन्यवाद करें उतना कम है। खुदा के लोगों, मैं आज की सुबह में इस वचन को शुरू करने से पहले एक बात बताना चाहूंगा। जो हम इस समय समय देख रहे हैं या जो हमारे आस पास जो माहौल है, उसमें मुझे एक अनिल गांधी का बड़ा अच्छा सा गाना याद आता है। पूरा गाना तो मुझे याद नहीं है, लेकिन हाँ उसकी कुछ लाइनें मैं जरूर आपके सामने रखना चाहूंगा, शायद आपने सुना भी होगा। विश्वास पर खा जाएगा आनंद समझो, शैतान हमको डराएगा आनंद समझो, विश्वास पर खा जाएगा आनंद समझो, शैतान हमको डराएगा आनंद समझो। होगी परीक्षा धीरज बढ़ेगा, तपने के पश्चात सोना बनेगा, होगी परीक्षा धीरज बढ़ेगा अपने के पश्चात सोना बनेगा, आनंद समझो आनंद समझो। मैं परमेश्वर धन्यवाद करूं इस बात के लिए कि अनिल कांची गाना ये इस समय के लिए बिल्कुल लगता है एकदम सुटेबल है। और मैं जिन बातों सोच रहा था, आसपास जो इस समय माहौल चल रहा है, जो हम न्यूज सुन रहे हैं, जो हम खबरें सुन रहे हैं, उसमें बहुत सारी बातें आती हैं। क्या इन सारी बातों का परमेश्वर से कोई लेना देना है? क्या इन सारी बातों से बाइबल का कोई रिलेशन है? तो खुदा के लोगों, मैं आपको हिंट के लिए बता दूं कि जो भी कुछ हो रहा है वो सब कुछ वचन के अनुसार हो रहा है। अगर आप बाइबल में देखें तो उत्पत्ति 11:1 में लिखा हुआ है, जेनेसिस 11:1 में लिखा हुआ है कि सारी दुनिया में एक ही भाषा और एक ही बोली थी। हम परमेश्वर धन्यवाद करते हैं जो इस समय वन वर्ड आने वाला है, ये आज कुछ नया नहीं आने वाला है, बल्कि पहले से ही बाइबल ने इस बात के लिए लिखा जा चुका है कि नूह के समय से पहले से कि वन वर्ड ऑलरेडी था। पहले ऑलरेडी लोग एक ही भाषा बोलते थे, उनका सब कुछ सेम था। और खुदा के लोग, बाइबल की वही बात फिर से हमारे बीच में, हमारे आने वाले समय में पूरी होने वाली है। आज के समय अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारी चीजें हमारे चारों तरफ माहौल बहुत निगेटिव दिखाई देता है खुदा के लोगों, और लेकिन उसके बावजूद भी परमेश्वर मुझसे और आपसे क्या चाहता है। जैसा अभी अनिल कांत जी गीत के द्वारा हम सबने जाना कि उन्होंने बहुत अच्छा गाना लिखा था कि विश्वास पर रखा जाएगा आनंद समझो। इस समय जो समय है वो हम सब हमारे और आपके लिए है, और सिर्फ इसलिए है ताकि मैं और आप अपने उस विश्वास में मजबूती से बने रहते हैं या नहीं। मैं आपको ले चलना चाहूंगा बाइबल में, जो आपको मिलेगा मत्ती की किताब, मत्ती 16:23, उसकी 23वीं आयत में लिखा हुआ है, परमेश्वर अपने प्रिय शिष्य पत्रस से एक बात कह रहा है। वो क्या कह रहा है? उसने मुड़कर पत्रस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर धन्यवाद करें इस बात के लिए परमेश्वर अपने वचन उतारने के बाद कह रहा है कि तू परमेश्वर की बातों में मन नहीं लगाता, तू शैतान की बातों पर, तू लोगों की बातों में मन लगाता है, इसलिए परमेश्वर उससे नाराज है, परमेश्वर उससे क्रोधित हो गया है, गुस्से में आ गया है। और उसने इस बात को गुस्से में पत्रस से कहा, क्योंकि पत्रस उसका एक प्रिय शिष्य था, प्रिय शिष्य यहाँ पे है, और वो उसके उससे कह रहा है कि तू शैतान के तस्म हो गया है, तू मेरे लिए ठोकर कारण बन गया है। सोच के देखिए कि कोई अपने गार्जियन का, अपने पेरेंट्स का या अपने जानने वालों का, अपने बड़ों का कोई प्रिय हो, कोई बहुत ही उसे प्यारा हो, उससे गुस्से में तभी बोल सकता है जब बिल्कुल हद पार हो चुकी हो। क्योंकि परमेश्वर जो आपसे मुझसे प्यार करता है, परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि हम लोगों की बात में आ जाएं, हम संसार की बातों में फंस जाएं, और हम उस सच्चाई को जो परमेश्वर ने मुझे और आपको बताया है हम उसको भूल जाएं या हम उसको अनदेखा कर दें। इसीलिए परमेश्वर यहाँ पर नाराज हुआ, दुखी हुआ, और इस बात से क्रोधित होकर परमेश्वर ने पत्रस को डांटा और कहा, उसने मुड़कर पत्रस से कहा, शैतान मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है। खुदा के लोग, कहीं ना कहीं अगर हम और आप अपने जीवन में देखते हैं, हम सब ज्ञानी हैं, हम सब काफी नॉलेजेबल हैं, हमारे पास, हमने काफी अच्छी पढ़ाई कर रखी है, हम बाइबल पढ़ने वाले लोग हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम न्यूज में और लोगों की बात में आकर इतना दुखी हो जाते हैं, इतना परेशान हो जाते हैं कि कई बार हम उस वचन की सच्चाई पर यकीन नहीं कर पाते।
कई बार हम उस वचन को पढ़ते तो हैं, सुनते तो हैं, हमने ऑडियो बाइबल ले रखी है, हमारे मोबाइल में सब कुछ है, सारी एसेसरीज हमारे पास हैं जो हमारी हेल्प करती हैं, जो हमें परमेश्वर के वचन में पढ़ने की हमारे लिए मदद करती हैं, उसके बावजूद भी वो सारी चीजें हमारे लिए व्यर्थ हो जाती हैं, क्योंकि हमारा मन लोगों की बात पर, सांसारिक बातों पर लग जाता है। जी, परमेश्वर अपने वचन में क्या कह रहा है, भजन संहिता 32 और उसकी 8वीं आयत पढ़ेंगे, अगर आप देखेंगे साम 32 वर्स 8 में लिखा है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा, मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। खुदा के लोगों, हम कितना भी पढ़ लें, हमने कितनी भी हमें नॉलेज हुआ है, हमने बहुत सारी पढ़ाई कर रखी है, सब कुछ कर रखा है, लेकिन परमेश्वर के सामने अगर हम ज्ञानवान बनेंगे तो हम उसके सामने बिल्कुल बेकार हो चुके होंगे। लेकिन अगर हम अपने आप को उस गधे की मानिंद जीरो कर लेंगे, अगर हम अपने आप को बिल्कुल शून्य कर लेंगे, तो परमेश्वर हमारे महत्व को बढ़ाएगा, हमारे जीवन को वैल्यूबल बढ़ाएगा। इसीलिए परमेश्वर अपने वचन द्वारा हमें इस बात को कह रहा है कि मैं तुझे बुद्धि दूंगा, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। ताकि लोगों, हम क्यों अपने आप को इस लायक बनाते हैं, हम क्यों इंतजार करते हैं कि परमेश्वर हम पे गुस्सा हो, हमें छड़ी लगाए, हमें इनाम दे, हमें इस बात की क्यों ना बताने देते हैं। परमेश्वर हमें, हमसे इन बातों से परमेश्वर चाहता है कि हम उसके नाम की बड़ाई करें, हम उसकी बातों पर, वचन पर उसके मनन करें, उसकी उन बातों पर जो परमेश्वर हमें वचन द्वारा बताई है, हम उसकी अगुवाई में चलने की कोशिश करें, न कि हम सांसारिक बातों पर, क्योंकि संसार तो बहुत कुछ कहता है। संसार की आप सुनेंगे तो कभी अपने जीवन में सफल नहीं हो सकते, क्योंकि जब भी आपको अपने जीवन में कुछ अच्छा काम करना होगा तो आपको आलोचना का पात्र बनना पड़ेगा, इस बात से कोई आपको रोक नहीं सकता। आगे लिखा हुआ है यशाया 54 वर्स 10 में, चाहे पहाड़ हट जाए और पहाड़ियां टल जाए तो भी मैं, मेरी करुणा तुझ पर से कभी ना हटेगी। खुदा के लोग, ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर परमेश्वर आपको चुना है, आप परमेश्वर के प्रियजन हैं, परमेश्वर आपसे प्यार करता है, तो आपको यूं ही छोड़ देगा? पहले वचन हमने क्या देगा, परमेश्वर आपको बुद्धि देगा, परमेश्वर आपको ज्ञान देगा। अगर कोई काम आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि हमें कैसे करना चाहिए, तो हमें इस बात के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करनी है, परमेश्वर वचन को हमें पढ़ना है, ताकि वो हमारी अगुवाई करे, मदद करे और इस बात को समझा सके, बता सके और कह, इस बात को हम पूरी तरह समझ सके जो परमेश्वर चाहता है कि हम अपने काम को, अपनी हर एक योजना को परमेश्वर की योजना में शामिल होके उसकी मर्जी के अनुसार करें, तो हम उत्तम से उत्तम पदार्थों से तृप्त किए जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर धन्यवाद करते हैं इस बात के लिए जो परमेश्वर बार बार अपने वचन में बता रहा है, यशाया 54 वर्स 10 में, यशाया 54 वर्स उसकी 10वीं आयत में, चाहे पहाड़ हट जाए और पहाड़ियां टल जाए। पहाड़ का हटना लगभग अनहोना टाइप का है, कह सकते हैं आप इसको। पहाड़ एक दिखाता है मजबूती को, एक स्ट्रांगनेस को, एक स्ट्रेंथ को दिखाता है। परमेश्वर कह रहे हैं, चाहे पहाड़ हट जाए और पहाड़ियां टल जाए तो भी मेरी करुणा तुम पर से न हटेगी। और आगे लिखा हुआ है, और मेरी शांतिदायक वाचा न टलेगी, यहोवा जो तुझ पर दया करता है। हालेलुया, यहोवा जो तुझ पर दया करता है उसका यही वचन है। मुझे बड़ी हंसी आती है, बड़ी खुशी भी होती है इस बात के लिए कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें एक एक क्षण, ये शामिल है ना कि वो तुम्हारे क्षण क्षण की खबर रखता है, हर पल तुम पर अपनी नजर बनाकर रखता है। यहां लिखा हुआ है, पल लिखा है, चाहे पहाड़ हट जाए, पहाड़ियां टल जाए, सब कुछ, मतलब जो असंभव है वो भी हो जाए। बाइबल लिखा है ना कि माँ अपने बच्चे को, दूध पिलाते बच्चे को छोड़ सकती है, लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अगर आप इसे प्रैक्टिकली सोचें, बहुत मुश्किल है, कैसे ऐसा हो सकता है कि एक माँ ने जिसने 9 महीने किसी बच्चे को अपने पेट में रखा हो, उसको वो कैसे भूल सकती है, उसको कैसे त्याग सकती है, कैसे छोड़ सकती है? लेकिन परमेश्वर अपने वचन द्वारा मुझे आपके पास बताना चाहता है, ये समझाना चाहता है कि ये लगभग असंभव सा है कि माँ अपने दूध पिलाते बच्चे को छोड़ दे। लेकिन अगर फिर भी ऐसा होता है, उसके बावजूद भी मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी ना त्यागूंगा। खुदा के लोग, परमेश्वर वचन हर समय, अगर आप परमेश्वर वचन पर ध्यान देंगे तो परमेश्वर वचन हर समय आपकी अगुवाई करता है, आपकी मदद करता है। लेकिन वो इस बात से बिल्कुल नफरत करता है, वो बिल्कुल नहीं चाहता कि उसके जन, उसका बेटा, उसका दास किसी और पर विश्वास करे, किसी और की बातों में आ जाए, किसी और के प्रलोभन में आ जाए और वो अपने जीवन में कुछ ऐसा कर बैठे जो परमेश्वर उससे नहीं चाहता। परमेश्वर ने मुझे और आपको अपने पुत्र पुत्री होने का अधिकार दिया है, तो उस अधिकार का हमें चाहता है कि हम उस अधिकार का इस्तेमाल करें। परमेश्वर चाहता है कि हम उस अधिकार का इस्तेमाल करके न सिर्फ अपने लिए बल्कि लोगों के लिए आशीष का कारण ठहरें। अब आप कह सकते हैं कि जब परमेश्वर ने वचन में हमसे इतनी बड़ी बातें कह रहा है, इतनी बड़ी बड़ी हमसे वाचा बांध रहा है,
उसके बावजूद भी चारों तरफ हम देखें तो परमेश्वर के बहुत तेरे लोग भी इस समय मृत्यु को जा चुके हैं, जो मर चुके हैं। पिता का लोग, हो सकता है आपके दिमाग में इस बात ये बात आ रही होगी, ऐसी सवाल आ सकता है कि जब परमेश्वर वचन सच्चा वचन है, जिसको हम कहते हैं जीवित वचन है, परमेश्वर हमारी मदद करता है, परमेश्वर जिन मुर्दों से को जिंदा कराने की सामर्थ्य रखता है, जिसने लाजर को जिलाया वो हमको भी और आपको भी जिला सकता है, उसके बावजूद भी परमेश्वर के दासों की मृत्यु क्यों हो रही है, परमेश्वर के जन क्यों मर रहे हैं, क्यों हमारे सामने बार बार सवाल आ जाता है कि क्या हम परमेश्वर के वचन में मजबूत नहीं है, क्या हम विश्वास में मजबूत नहीं है, ऐसा क्या कारण है। बहुत सारे सोच सकते हैं आपके ध्यान सवाल करो, ऐसा क्या कारण है, क्या रीजन है जिसकी वजह से आज की डेट में परमेश्वर के लोग भी मारे जा रहे हैं, परमेश्वर के लोग भी मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, मर रहे हैं। उसके पीछे कुछ रीजन है जिसको मैं आपको वचन के द्वारा बताना चाहूंगा। आप मेरे साथ निकाल सकते हैं भजन संहिता 116:15, Psalm 116:15, उसमें लिखा है यहोवा के भक्तों की मृत्यु उसकी दृष्टि में अनमोल है। हालेलुया, हालेलुया, हम परमेश्वर धन्यवाद इस बात के लिए। परमेश्वर वचन द्वारा कह रहा है यहोवा के भक्तों की मृत्यु उसकी दृष्टि में अनमोल है। इस बात को आगे बताने से पहले मैं कुछ बात बताना चाहूंगा। अगर आप चारों तरफ दुनिया में देखें, अगर आप प्रैक्टिकली सर्वे करें वर्ल्डली तौर पे, तो आप देखेंगे कि कुछ कैटेगराइज लोग हैं जो मर रहे हैं। अगर हम सबसे पहले अपने लोगों की बात करते हैं, हम अगर परमेश्वर के लोगों की बात करते हैं, विश्वासी लोगों की बात करते हैं, तो उसमें भी दो कैटेगरी के लोग मर रहे हैं। एक तो वो जो खुदा के खादिम है, जो कहीं ना कहीं वर्शिप लीडर रहे हैं, जो परमेश्वर के लिए जिन्होंने बहुत ऐसे काम किया है, और दूसरे वो जो सिर्फ नाम के क्रिश्चियन है, जो नाम के सही है। सॉरी इसे मुझे माफ करिएगा अगर मेरी किसी बात से आपको ठेस लगे, लेकिन ये हमारे जीवन की एक बहुत बड़ी सच्चाई है, और ये वही समय है कि जो हमारे विश्वास को परखा जा रहा है, हमारे उस विश्वास को जो हम डंका बजा के डंके की चोट पर कहते हैं कि हम विश्वासी हैं, हम धर्मी जन हैं, हमारे कहने से ऐसा नहीं होता। अगर राजा को कहना पड़े कि वो राजा है, इट मींस कि वो राजा नहीं है। अगर हमें अपनी बात अपने कह के हमें प्रूव करना पड़ रहा है कि हम धर्मी हैं, इट इसका मतलब कि हम धर्मी नहीं है। अगर हमें इस बात को सिद्ध करना पड़ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे अंदर कमियां हैं, जिसकी वजह से आज हमारे ऊपर उंगलियां उठ सकती हैं या उठ रही हैं। खुदा के लोगों, मैं आपको बताना चाहूंगा जो इस समय लोग मर रहे हैं उनके, मैं पहली बात करता हूं परमेश्वर के लोगों की जिन्होंने परमेश्वर की सेवकाई करी, जिन्होंने परमेश्वर का काम बड़ी ईमानदारी से किया, जिन्होंने अपने जिन्होंने अपनी अच्छी दौड़ को दौड़ा। उनके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता कि उन्होंने क्या ऐसा काम किया जिसकी वजह से आज मर गए हैं। नहीं, खुदा के लोगों, हम और आप अगर विश्वासी हैं, आप परमेश्वर वचन विश्वास करते हैं, तो हम इसकी आगे की आयत अगर पढ़ेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा। 16वीं आयत में लिखा है हे यहोवा सुन, मैं तो तेरा दास हूं, मैं तेरा दास और तेरी दासी का पुत्र हूं, तूने मेरे बंधन खोल दिए हैं। हालेलुया, हालेलुया, हम परमेश्वर धन्यवाद करते हैं कि हम कहते हैं ना मसीह में मरना मसीह और जीना नफा। अगर हम मसीह में मर भी जाएं तो हमारे लिए कोई अफसोस की बात नहीं, हमारे लिए कोई शोक का विषय नहीं है, हमारे लिए कोई भी ऐसी बात नहीं है जिसको बहुत बड़ा दुख लगे, सदमा लग जाए हमें। बल्कि अगर हम बाइबल की सच्चाई को जानते हैं, परमेश्वर को जानते हैं, तो परमेश्वर अपने वचन के अनुसार हमसे क्या बात कर रहा है कि यहोवा के भक्तों की मृत्यु उसकी दृष्टि में अनमोल है। अगर हम परमेश्वर की सेवा करते करते मर भी जाएं, हमारे लिए सौभाग्य की बात होती है। अगर हम परमेश्वर की सेवा करते हुए अगर हम मर भी जाएं, हम मृत्यु को प्राप्त हो जाएं, तो भी हमारे लिए सौभाग्य की बात है, क्योंकि ये परमेश्वर वचन कह रहा है कि यहोवा के भक्तों की मृत्यु उसकी दृष्टि में अनमोल है। हे यहोवा सुन, मैं तो तेरा दास हूं, मैं तेरा दास और तेरी दासी का पुत्र हूं, तूने मेरे बंधन खोल दिए। इस वचन का कैसा है, मैं तो तेरा दास हूं और तेरी दासी का पुत्र हूं। इट मींस क्या कि मैं कोई नया नया क्रिश्चियन नहीं हूं, कोई नया नया ईसाई नहीं हूं, नया विश्वासी नहीं हूं, बल्कि ये तो हमारे पुश्तैनी चली आ रही है। हम बॉर्न क्रिश्चियन है, हम विश्वासी, हम क्रिश्चियन खानदान में ही, क्रिश्चियन परिवार में ही हम पैदा हुए हैं। तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है, अगर हम सच्चे ईसाई हैं, अगर हम सच्चे विश्वासी हैं, तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम परमेश्वर में ईमानदारी चलते चलते उस मृत्यु को प्राप्त हो जाएं। क्यों? क्योंकि आगे लिखा हुआ है, आप निकाल सकते हैं यशाया 57:1, यशाया 57:57 की पहली आयत में लिखा है धर्मी जन नष्ट होता है और कोई इस बात की चिंता नहीं करता। लिखा हुआ है कि धर्मी जन नष्ट होता है और कोई इस बात की चिंता नहीं करता, भक्त मनुष्य उठा लिए जाते हैं।
मैं आपको सही बात कहता हूँ कि परमेश्वर में जो लोग मर रहे हैं, परमेश्वर के लोग, उसमें दो ही कैटेगरी के लोग हैं। एक तो वो लोग जो विश्वासी हैं, जो परमेश्वर काम जिन्होंने ईमानदारी से किया, जो अपनी सेवा को बखूबी निभाते हुए चले गए, जिन्होंने एक अच्छी दौड़ परमेश्वर में दौड़ी, उनके लिए परमेश्वर क्या कह रहा है कि धर्मी जन नष्ट होता है और कोई इस बात की चिंता नहीं करता, भक्त मनुष्य उठा लिए जाते हैं परंतु कोई नहीं सोचता। और आगे लिखा, बड़ी अच्छी बात लिखिए, धर्मी जन इसलिए उठा लिया गया कि आने वाली आपत्ति से बच जाए। हालेलुया, हालेलुया। खुदा के लोग बड़ी खुशी होती है और बड़ा कभी कभी अफसोस भी होता है उन लोगों पे जो परमेश्वर वचन नहीं जानते और परमेश्वर के लोगों पर तुरंत उंगलियां उठाना शुरू कर देते हैं, जो सच्चाई को नहीं जानते, जो उस परमेश्वर की सच्चाई के वचन की हकीकत को नहीं जानते और परमेश्वर वचन की सच्चाई को नहीं जानते, जिनको यकीन ही नहीं होता कि हाँ परमेश्वर वचन जीविता कलाम है, जीवित जीवित वचन है, उनको बात पर नहीं पड़ा तो परमेश्वर लोगों पर उंगलियां उठाते हैं, अरे ये तो बड़े धर्मी बनते थे, अरे इनके यहाँ तो बड़ी दुआ होती थी, ये तो बड़े चर्च में मीटिंग लेने जाया करते थे, ये तो बड़े प्रचार करने जाते थे, गर्मी में भी टाई और सूट पहन के जाते थे। खुदा के लोगों, लोग आपके ऊपर उंगलियां उठाएंगे, क्योंकि जब जब आप कुछ अच्छा करने जाते हैं तो आलोचना करने वालों की कमी नहीं होती। लेकिन मुझे और आपको परमेश्वर के वचन में मजबूती से बने रहना है और अपने द्वारा, अपनी बातों के द्वारा, अपनी आदतों के द्वारा, अपने चाल चलन द्वारा, बाइबल लिखा है कि पेड़ अपने फल से जाना जाता है, उस पेड़ को प्रूफ नहीं करना पड़ता, उसको बताना नहीं पड़ता मैं आम का फल हूँ, मेरा मैं पपीते का फल हूँ, मैं लीची का पेड़ हूँ या ऐसा नहीं, कुछ नहीं। बल्कि पर क्या लिखा है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, पेड़ अपने फल से जाना जाता है। आपकी धार्मिकता आपके कहने से नहीं बल्कि आपकी बातचीत से, आपके चाल चलन से, आपके रहन सहन से साबित होती है, प्रूफ होती है कि आप धर्मी हैं अथवा नहीं। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आप उसकी अगली आयत में देखेंगे, यशाया 57 उसकी दूसरी आयत में, वो शांति को पहुंचता है जो सीधी चाल चलता है। अगर परमेश्वर का जन जिसने सीधी चाल चली है तो मरने के बाद भटकती आत्मा नहीं बनता, बल्कि मरने के बाद उसको मोक्ष प्राप्त होता है, शांति प्राप्त होती है। परमेश्वर जन क्या कह रहा है, वह शांति को पहुंचता है और सीधी चाल चलता है, वह अपनी खाट पर विश्राम करता है। हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर धन्यवाद करते हैं कि चारों तरफ सारी नेगेटिव बात होने के बावजूद भी परमेश्वर का वचन हमें हर समय पॉजिटिव करता है, हमें हर समय सामर्थ्य देता है, हमें हर समय हमारी अगुवाई करता है और हमें इस बात को बताने की कोशिश करता है कि मुझे और आपको सांसारिक बातों पर नहीं बल्कि परमेश्वर की बातों पर मन लगाना है। हमें दुनिया में मन नहीं लगाना, हमें दुनिया की तरफ ध्यान नहीं देना है कि दुनिया में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, उस बात से चिंतित नहीं होना, परेशान नहीं होना है, टेंशन नहीं लेना है, बल्कि हमें अपना पूरा ध्यान परमेश्वर के वचन पर और परमेश्वर की बातों पर लगाना है, क्योंकि वही हमें सामर्थ्य देते हैं, वही हमें शांति देते हैं। खुदा के लोग, हमारे अंदर कोई खूबी, कोई लियाकत नहीं कि हम अपने आप को सर्वगुण संपन्न समझें, हमारे अंदर कोई ऐसी काबिलियत नहीं जिससे हम अपने आप कह सके हम धर्मी हैं। बाइबल साफ बताया, धर्मी बारे में साफ साफ लिखा है कि धर्मी जन के काम तो मैले चित्रों के समान है। हम सोचे हमने किसी की मदद कर दी, हमने किसी की फाइनेंशियल हेल्प कर दी, किसी के लिए हम फिजिकली खड़े हो गए, हमने बहुत बड़ा परोपकार कर दिया, बहुत बड़ा तीर मार दिया। खुदा के लोग, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि ये सब काम आपको करने के लिए परमेश्वर की आत्मा गाइड करती है, परमेश्वर की आत्मा आपकी अगुवाई करती है कि आपको ये काम करना चाहिए, तब आप काम करते हैं। आपकी क्या सामर्थ, मेरी क्या सामर्थ, हमारी क्या सामर्थ जो हम किसी की क्या काम को अंजाम दे सकें, क्योंकि हमारी जो सांसें हैं वो भी परमेश्वर की दी हुई है। हालेलुया, हम तो एक मिट्टी का पुतला बनाए गए थे, लेकिन परमेश्वर ने अपनी सांस फूंक के हमें इस लायक बनाया ताकि हम आज परमेश्वर की महिमा कर पा रहे हैं, परमेश्वर की महिमा के लिए इकट्ठे हो पा रहे हैं, उसकी स्तुति कर पा रहे हैं। आप मेरे साथ निकाल सकते हैं 2 तीमुथी 3 उसकी पहली आयत। इसको बताने से पहले बताना चाहूंगा, विश्वासी में पहली कैटेगरी क्या थी हमारी, जो लोग परमेश्वर के वचन पर सच्चाई चलते थे, जिन्होंने परमेश्वर के वचन को मानते हुए, उस पर विश्वास करते हुए बड़ी ईमानदारी साथ अपनी परमेश्वर में दौड़ को कंप्लीट किया, पूरा किया। और दूसरे वो लोग जो सिर्फ नाम के विश्वासी हैं, जो नाम के क्रिश्चियन बनते हैं। पंडित घर में पैदा होने से कोई ज्ञानी नहीं हो जाता, सॉरी मेरी बात गलत लगे तो माफ करिएगा, ईसाई घर में सिर्फ पैदा हो जाने से, क्रिश्चियन फैमिली में सिर्फ पैदा हो जाने से हम बाइबल के ज्ञानी नहीं बन जाते, या हमें पवित्र आत्मा का वरदान नहीं मिल जाता, या हम बहुत बड़े भक्त नहीं बन जाते, या बहुत बड़े हम धर्मी नहीं बनते, बल्कि पेड़ अपने फल से जाना जाता है। खुदा के लोगों, अगर मुझे और आपको इस बात को सिद्ध करने की जरूरत पड़ रही है, साबित करने की जरूरत, अरे हम तो ईसाई फैमिली, हम तो बॉर्न क्रिश्चियन है,
तो उन लोगों के बारे में सोचिए जो अन्य जाति से आए हैं मेरी तरह, उनका क्या होगा। खुदा के लोगों मैं बताना ये चाहता हूँ कि परमेश्वर किसी के लिए पार्शियलिटी नहीं करता, किसी का एक तरफा फेवर नहीं करता, बल्कि परमेश्वर के वचन के द्वारा हम इस बात को जान पाते हैं कि पेड़ अपने फल से जाना जाता है। हमें लोगों पर ध्यान नहीं देना है, हमें सांसारिक बातों पर ध्यान नहीं देना है, बल्कि हमें उस बात पर ध्यान देना है परमेश्वर वचन से क्या बात कर रहा है। पहली कड़ी के भी हमने सुनी, अब दूसरी कड़ी के बारे में हम बात करेंगे जो आपको मिलेगी दूसरा तीमुथी तीसरा अध्याय उसके पहले पद में लिखा हुआ है, पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। हालेलुया, हम इस बात का धन्यवाद करते हैं। ये जो समय चल रहा है हम सब जानते हैं कि यह अंतिम समय की शुरुआत हो चुकी है। जो जो परेशानियां आ रही हैं या अभी आगे जो आने वाली हैं, ये एक फर्क टॉपिक है। खुदा ने कभी दोबारा मौका दिया तो हम नेक्स्ट सेशन में इस बारे में डिटेल में हम बात कर पाएंगे कि परमेश्वर के वचन के अनुसार जो आज विपत्तियां आ रही हैं वो आनी थी और आगे और भी आनी है, लेकिन मैं और आप उस समय अपने आप को कैसे परमेश्वर ने बनाए रखेंगे, कैसे हम अपने जीवन की रक्षा कर पाएंगे, कैसे हम परमेश्वर के लोगों को या उन लोगों को जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं उन लोगों से हम परमेश्वर के बारे में बात कर पाएंगे, उसके लिए हमें क्या करना होगा, इस बारे में हम आगे बात करेंगे। जो सेकंड कैटेगरी थी, जो नाम के विश्वासी थे या जो नाम के क्रिश्चियन थे, अगर वो लोग मर रहे हैं तो क्यों मर रहे हैं, उसके पीछे क्या कारण है, बाइबल में साफ साफ लिखा हुआ है दूसरा तीमुथी तीसरा अध्याय पहला पद, पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाला। अगर हम सारे पॉइंट को देखें, सारी चीजें आप अगर ध्यान दे दो उधर, तो सारी चीजें ऑलरेडी हो रही हैं। अगर आप अपने अगल बगल माहौल को देखेंगे और लोगों से मिलेंगे तो ये बात जो बाइबल में लिखी हुई है कहीं पे भी ये आप इनको झुठला नहीं सकते, इनको आप गलत नहीं कह सकते, क्योंकि परमेश्वर लिखी हुई एक एक बात सिद्ध है। इसलिए लिखा हुआ यहाँ पे कि कठिन समय आएंगे क्योंकि मनुष्य स्वार्थी हो जाएगा, लोभी हो जाएगा, डींग मार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाला, कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाला, असंयमी, कठोर, भले का बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही को चाहने वाले होंगे। हालेलुया, खुदा के लोगों हम सब जानते हैं कि हम शुरू से ही कंफर्ट जोन से निकलना नहीं चाहते। मैंने इस बात को पहले भी एक आध बार कहा है, बड़ा आसान होता है जाड़े के दिनों में रजाई में बैठ के बाइबल को पढ़ना, बड़ा आसान होता है कि हम अपने कंफर्ट जोन में रहते हुए परमेश्वर वचन को पढ़ लें, सुन लें और दुआ करके वापस अपने उस कंफर्ट जोन में ही रहें। लेकिन बड़ा मुश्किल होता है कि हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के उन बातों को महसूस कर पाएं, उन तकलीफों को, उन परेशानियों को महसूस कर पाएं जो इस संसार में बहुत सारे लोग बर्दाश्त कर रहे हैं। बहुत सारे लोग उन परेशानियों का सामना कर रहे हैं, झेल रहे हैं बेचारे। वो तभी हो सकता है जब हमारे पेट में दर्द हुआ हो और हम परेशान हुए हो, हमारे लिए किसी ने दुआ करी हो, तभी हमें दूसरे के पेट के दर्द का एहसास हो सकता है। अगर हमने उस दर्द को, उस तकलीफ को महसूस नहीं किया तो हम कितना भी चाह लें, कितनी भी कोशिश कर लें, हम उस दर्द को महसूस नहीं कर सकते। हम उस दर्द के लिए उतनी सच्चाई से, उतनी तल्लीनता के साथ, विश्वास के साथ प्रार्थना नहीं कर सकते अगर हमने उस दर्द को महसूस नहीं किया है। परमेश्वर क्या चाहता है कि हम इन सारी बातों को न ही सिर्फ सुने बल्कि ध्यान से इस पर मन लगाएं, मनन करें और उसकी सच्चाई को जान सकें। लिखा हुआ है लास्ट में पढ़ना चाहूंगा कि दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही को चाहने वाले होंगे। और आगे लिखा है वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हम परमेश्वर धन्यवाद इस बात के लिए। ये परमेश्वर अपने लोगों के बारे में बात कर रहा है। अभी मैंने अन्य जाति के बारे में बात नहीं करी, अविश्वासियों के बारे में बात नहीं करी, बल्कि मैं अभी सिर्फ मसीही लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं विश्वासी लोगों की बात कर रहा हूँ कि जो लोग मर रहे हैं, जिन लोगों की डेथ हो रही है, उसमें दो कैटेगरी अभी हमने सुनी। पहली कैटेगरी क्या थी, जो परमेश्वर के विश्वासी लोग थे जिन्होंने परमेश्वर के वचन को ईमानदारी से फॉलो किया, उसकी सेवा को किया, अपनी अच्छी दौड़ को मसीह में दौड़ा और कंप्लीट किया अपने सारे कामों को, और उसके बाद वो मसीह में सो गए। दूसरे वे लोग, दूसरी कैटेगरी वे उन लोगों की है जो सिर्फ नाम के विश्वासी हैं, जिनके अंदर ये सारी कमियां पाई जाती हैं जो अभी मैंने आपको शुरुआत अभी अगले पहले वचन में पढ़े पढ़ के बताई। वो कठोर हो जाएंगे, उनके हृदय बिल्कुल मतलब क्षमा रहित हो जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर वचन में कैसे कहता है कि माफ करने वाले बनो। परमेश्वर चाहता है कि हम दूसरे की गलतियों को माफ करें। हम दुआ तो करते हैं कि हाँ परमेश्वर की, हमारे बाप की दुआ में कहते हैं कि नहीं, हम माफ करने वाले बने, हमें क्षमा करने वाले बने,
लेकिन हम इस बात को भूल जाते हैं कि हम सिर्फ हमें कहना ही नहीं है बल्कि उस पर करना है, कि परमेश्वर ने उन सारे कामों को पहले करके दिखाया तब हमें करने के लिए कहा। परमेश्वर ने ऐसा कोई काम हमसे और आपसे नहीं कहा कि जो उसने पहले खुद ने किया हो। इसलिए लिखा हुआ है कि वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे, क्योंकि वो नाम के विश्वासी हैं, वो नाम के ईसाई हैं। पता के लोग मुझे इस बात को कहने में जरा सा भी अफसोस नहीं हो रहा कि अन्य जाति में और इनमें कोई अंतर नहीं है। वो लोग जो परमेश्वर को जानते ही नहीं, अगर वो किसी काम को कर रहे हैं तो हम उनसे कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अगर कोई जानबूझ के करे, बाइबल के अनुसार हम देखें तो लिखा हुआ है कि अगर आप किसी गलती को बार बार दोहराते हैं तो गलती नहीं बल्कि पाप बन जाता है और आपको उसका हर्जाना भुगतना है, आपको उस पाप की सजा भुगतनी है। जबकि परमेश्वर क्या कह रहा है कि हमें और आपको परमेश्वर में दयावंत बनना है, हमें उस परमेश्वर में एक दूसरे की भलाई करना है, एक दूसरे की मदद करनी है, हमें घमंडी नहीं बनना। हम घमंड किस बात पे करें? अगर हम अपने बेस को देखें, अगर हम अपने आधार को देखें, हमारा आधार क्या? हमारा आधार परमेश्वर है। और परमेश्वर हमें क्या सिखाता है? एक दूसरे की मदद करो, एक दूसरे से प्रेम करो, एक दूसरे की मदद के लिए खड़े हो जाओ, जो कुछ तुमसे हो सकता है उस काम को करो, ताकि किसी तरह से आप लोगों की आत्माओं को बचा सको, उनको सच्चे परमेश्वर के बारे में बता सको। अगर अभी हम देखें तो लोग इस बात को कह रहे हैं, हकीकत लिटरली इस बात को लोग कह रहे हैं कि हमने तो आज तक तमाम मूर्तियों की पूजा करी, हमने तमाम मंदिरों में जाकर घंटे बजाए, हमने तमाम तपस्याएं करी, लेकिन फिर भी हमारे जिन आज कहीं पे भी शांति नहीं है। खुदा के लोगों, मैं एक अन्य जाति से आया हूँ, मैं एक हिंदू फैमिली से आया हूँ, और मैं इस बात कहता हूँ, मैं ट्यूसडे का फास्ट रखता था, मैं मंगल का व्रत रखता था, उसके बावजूद मेरे जीवन में कहीं शांति नहीं थी। मैंने कहाँ कहाँ सर नहीं झुकाया होगा, लेकिन मैं परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ कि जब से मैंने सच्चे परमेश्वर को जाना, मुझे सर झुकाने के लिए सिर्फ एक ही जगह चाहिए, वो है परमेश्वर का गढ़। परमेश्वर हमारा आधार है और हमें उसको आधार बना के अपने सारे कामों को करना है, ताकि हम उन आशीषों को, उन बातों को महसूस कर सकें, ग्रहण कर सकें जो परमेश्वर में चाहता है। परमेश्वर बिल्कुल नहीं चाहता कि मैं और आप, हम लोग जो विश्वासी जन हैं, जो परमेश्वर के वचन अनुसार चलने की कोशिश करते हैं, जो सच्चाई से परमेश्वर वचन को फॉलो करते हैं या करने की कोशिश करते हैं, उसको अपना आधार बना रखा है, तो मैं और आप परमेश्वर वचन पर मन न लगा करके लोगों की बात पर मन लगाएं, ऐसा परमेश्वर बिल्कुल नहीं चाहता। क्योंकि परमेश्वर इस बात से गुस्सा होता है, नाराज होता है। इसीलिए परमेश्वर अपने अगले वचन में इस बात को कह रहा है, जो आपको मिलेगा यशाया 59 उसकी पहली आयत, यशाया 59:1 में लिखा हुआ है, सुन यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार न कर सके। यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार न कर सके, न वह ऐसा बहरा हो गया है कि वह सुन न सके। बल अगली आयत में लिखा है, दूसरी आयत में, परंतु तुम्हारे अधर्मों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। हालेलुया। बड़ा अफसोस होता है कि मैं और आप, अगर परमेश्वर वचन को जानने के बावजूद भी, उसकी सच्चाई को जानने के बावजूद भी, हमारे जीवन में आशय कर्म होने के बावजूद भी, देखने के बावजूद भी, अगर हम फिर भी उन गलतियों करते हैं, तो क्या परमेश्वर गुस्सा नहीं आएगा? तो क्या परमेश्वर पीटर की तरह, पतरस की तरह, क्या मुझ पर, आप पे नाराज नहीं होगा? वो हमसे, आपसे क्या गुस्सा नहीं होगा? वो क्या नहीं कहेगा कि ये भी वही संसार की तरह हो गए हैं, जो आज संसार ज्ञान के न होने के कारण नाश हुआ जाता है। लिखा है यहां पे, परंतु तुम्हारे अधर्मों के कारण तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा लिया गया है कि तुम्हारी नहीं सुनता। हम कहते हैं परमेश्वर हमारी सुनता ही नहीं है, हम इतनी दुआ करते हैं, क्योंकि खुदा के लोगों, जब हमें तकलीफ होती है, जब हमें परेशानी होती है, जब हम विपत्ति में गिरते हैं, तभी हम परमेश्वर को याद करते हैं। एक छोटा सा दुआ मुझे याद आ गया कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। मैं परमेश्वर धन्यवाद करूं इस बात के लिए कि जिन लोग जो परमेश्वर के वचन को नहीं जानते थे, उन्होंने भी परमेश्वर के वचन से ही मिलती जुलती बोला है कि दुख में सुमिरन सब करे। जब परेशानी हमारे पास आती है, जब हम दुख में, तकलीफों में घिरे होते हैं, हम तभी परमेश्वर को याद करते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है कि हम सुख में हो चाहे दुख में हो, हर समय परमेश्वर का हाथ उठाकर धन्यवाद कर सकें और कह सके, परमेश्वर तू भला है। अय्यूब ने साफ साफ कहा, उसने दिया, उसने लिया, उसका नाम मुबारक माना जाए। लेकिन मैं और आप शायद अय्यूब की तरह कभी हो ही नहीं सकते, क्योंकि जब जब हमारा विश्वास परखा जाता है, शायद हम उस विश्वास में कमजोर पाए जाते हैं, शायद हम उस परख में फेल हो जाते हैं, हम उस परीक्षा में, उस एग्जाम में हम फेल हो जाते हैं,
क्योंकि हम परमेश्वर वचन को शायद पढ़ते तो हैं, सुनते तो हैं, लेकिन उस पर यकीन नहीं कर पाते, उस पर भरोसा नहीं कर पाते, क्योंकि जब जब चीजें हमारे फेवर में होती हैं, जब चीजें हमारे अधिकार में होती हैं या हमारे लिए होती हैं, तब तो हमें बड़ी खुशी होती है, लेकिन जैसे ही चीजें हमारे अपोजिट, हमारे विरोध में जाने लगती हैं, हम कुड़कुड़ाना बुड़कुड़ाना शुरू कर देते हैं, कहते हैं क्या यही परमेश्वर है, हम तो बाइबल पढ़ने वाले लोग हैं, हम दुआ करने वाले लोग हैं, खुदा के लोगों, इसीलिए परमेश्वर वचन लिखा है कि उन्होंने अपने अधर्म के कारण मुझे अपने आप से दूर कर दिया। जबकि परमेश्वर क्या कह रहा है, यूहन्ना 3:16, John 3:16 में लिखा है कि क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया। हालेलुया। हम परमेश्वर धन्यवाद करते हैं इस बात के लिए कि परमेश्वर ने वचन द्वारा कह रहा है कि उसने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। खुदा के लोगों, दुनिया में हम इस दुनिया में रहते हैं और दुनिया में हम देखें तो ऐसे बहुत तेरे लोग हैं जिनका अगर एक बेटा है तो उसको सर पे चढ़ा कर रखते हैं, और शायद यही रीजन होता है कि बुढ़ापे में उनके लिए वो ठोकर का कारण बनता है, क्योंकि हमने उसको अपनी शिक्षा दी, अपने पाठ पढ़ाए, अपना ज्ञान दिया, हमने उसको परमेश्वर का ज्ञान नहीं दिया, परमेश्वर के वचन से उसको कभी नहीं सींचा, परमेश्वर की सच्चाई बात उसको नहीं बताई, शायद यही रीजन है कि हमारा इकलौता पुत्र जो हमारे काम नहीं आ करके बल्कि हमारे लिए ठोकर का कारण बन सकता है, अगर हमने उसको परमेश्वर के वचन से नहीं सींचा तो। इसी के अपोजिट अगर हम देखें, अगर हम परमेश्वर वचन से उस पुत्र को अपने सींचते हैं, परमेश्वर की बातें उसको बताते हैं, परमेश्वर सच्चाई से उसको वाकिफ कराते हैं, उसको बताते हैं कि हाँ परमेश्वर वचन में क्या क्या लिखा, क्या सच्चाई है, तो वही बच्चा हमारे लिए चाहे इकलौता ही क्यों ना हो, हमारे लिए आशीष का कारण ठहरता है, न बल्कि हमारे लिए, न बल्कि हमारे परिवार के लिए, बल्कि आस पास के लोगों के लिए भी आशीष कारण ठहरता है। जिस तरह से हम परमेश्वर को देख पाते हैं, यीशु मसीह को देख पाते हैं कि परमेश्वर का इकलौता पुत्र होने के बावजूद भी उसने मनुष्य रूप में आके हमारे और आपके लिए अपने आप को दे दिया ताकि मैं और आप उसके महत्व को समझ सकें। इसी लिखा है योना 3:16 में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश न हो वरन अनंत जीवन पाए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप सच्चे विश्वासी हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप सच्चे परमेश्वर को मानने वाले हों, बाइबल फॉलो करने वाले हों, और आप सच्ची ईमानदारी से परमेश्वर की दौड़ में दौड़ रहे हो और परमेश्वर आपको नाश कर दे, क्योंकि परमेश्वर दुष्ट के नाश होने से नहीं बल्कि दुष्टता को खत्म करना चाहता है, वो आपके अंदर के पाप को खत्म करना चाहता है, आपको कभी खत्म नहीं करना चाहता। तो उन लोगों में जो परमेश्वर के नाम में है तो लेकिन विश्वासी नहीं है, या नाम के विश्वासी सिर्फ है और अन्य जाति में कोई भी डिफरेंस नहीं है, कोई भी अंतर नहीं है, बल्कि दोनों एक ही समान है, इसीलिए दोनों को एक कैटेगरी में रखा गया है। अब हम इस बात को देखें कि इसका रिजल्ट क्या है, इसका परिणाम क्या है, कैसे इन सारी बातों से हम बाहर निकल के आए, या कैसे हम अपने आगे आने वाले जीवन में इस बात को देख पाए या समझ पाए जो परमेश्वर हमसे और आपसे चाहता है। अगर हम देखें परमेश्वर मुझसे आपसे चाहता क्या है, खुदा के लोगों, मुझे इस बात को बताने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है या कोई अफसोस नहीं है कि परमेश्वर मुझे और आपको एक राजा की मानिंद बनाना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर मुझे और आपको राजा की मानिंद बनाना चाहता है, राजा बनाना चाहता है। हम बाइबल से अगर देखें तो परमेश्वर ने दाऊद को जब राजा बनाया उससे पहले उसको गोलियत से लड़ना पड़ा। हालेलुया। परमेश्वर धन्यवाद करता है इस बात के लिए कि जब परमेश्वर दाऊद को राजा बनाना चाहता था, जब उसको चाहता था, अगर हम किसी अननोन पर्सन को राजा बना दें जिसको कोई समझ नहीं है, जो उसके लायक नहीं है या उसके लिए तैयार नहीं है, तो वो राजा क्या सही से राज्य कर पाएगा? कभी नहीं कर पाएगा। इसीलिए परमेश्वर जब दाऊद को राजा बनाना चाहता था उससे पहले परमेश्वर ने दाऊद का अभिषेक किया, उसके ऊपर अभिषेक का तेल उंडेला। खुदा के लोगों, मुझे, मेरे और आपके ऊपर परमेश्वर ने अपना अभिषेक का तेल हमारे और आपके ऊपर उंडेला है ताकि मैं और आप उस दाऊद की मानिंद राजा बन सकें। लेकिन एक टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई है, ये ऑफर है हमारे लिए, जो हमारे ऊपर तेल उंडेला गया है और उंडेला जाएगा, लेकिन उसके लिए टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई है कि राजा बनने से पहले उस दाऊद को उस बड़े जायंट गोलियत से लड़ना पड़ा। हालेलुया। वो गोलियत, खुदा के लोगों, और कुछ नहीं, हमारे और आपके जीवन के परेशानियों को दिखाता है। वो गोलियत जो दाऊद की तुलना में कहीं बड़ा है, बाइबल में देखो तो 9 फीट लगभग उसकी हाइट थी, जो एक सामान्य हाइट से कहीं ज्यादा है, एक तरह से वो जायंट का रूप है। खुदा के लोगों, आज डेट में जो बीमारियां, जो परेशानियां हम अपने जीवन में देख रहे हैं या जिनको हम आगे आने वाले समय और देखेंगे, वो गोलियत से कम नहीं है, लेकिन उसके बावजूद परमेश्वर हमें राजा बनाना चाहता है।
परमेश्वर मुझे और आपको दाव की माने तो उसने इसीलिए अभिषेक किया है कि मैं और आप उस परेशानों पर विजय प्राप्त करके हम राजा बन सकें। जिस तरह से दाऊद ने गोलियत पर विजय प्राप्त की, जिस तरह से दाऊद ने गोलियत को मार गिराया, उस तरह से चाहता है मैं और आप भी कोरोना जैसी तमाम बीमारियों को, या इस तरह कोई भी बीमारी आती है, कोई भी परेशानी आती है, कोई भी कैलेमिटी आती है, हम उन सारी परेशानियों से निकल के राजा बन सकें, क्योंकि परमेश्वर ने हमारा अभिषेक इसीलिए किया है कि मैं और आप राजा बन सकें। तब खुदा के लोगों पहला समय में लिखा है, और हमें इस बात को बोलना पड़ेगा। हम मन में सारी बातों को नहीं करते, बल्कि परमेश्वर चाहता है कि हम और आप इस बात का विश्वास से ऐलान करें, बोलें कि परमेश्वर हमारे लिए क्या कर सकता है और क्या करता है। पहला सैमुअल 17वां अध्याय 47 आयत, फर्स्ट सैमुअल 17:47 लिखा है, और यह समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है। हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर धन्यवाद इस बात के लिए कि परमेश्वर ने वचन द्वारा इस बात बता रहा है कि तुम लड़ाई लड़ने जाओगे तो जरूर, तुम युद्ध में जाओगे तो जरूर, तुम शैतान से लड़ने जाओगे तो जरूर, तुम इन परेशानियों में जाओगे तो जरूर, लेकिन तुम अपनी सामर्थ्य से नहीं, अपनी काबिलियत से नहीं, बल्कि तुम मेरे द्वारा विजय को प्राप्त करोगे। क्योंकि साफ साफ लिखा हुआ है कि और यह समस्त मंडली जान लेगी यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता। क्योंकि तलवार और भाला चलाना तो इस दुनिया का काम है, ये दुनियावी लोगों का काम है। परमेश्वर हमको कभी ऐसा नहीं बनाता कि हमें इन सब चीजों सहारा लेना पड़े, बल्कि परमेश्वर कहता है कि और यह समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर धन्यवाद करते हैं इस बात के लिए कि बड़ी से बड़ी मुसीबत को, हम बड़ी से बड़ी परेशानियों को अपने पैरों के तले हम रौंद सकते हैं, बड़ी से बड़ी परेशानियों को हम खत्म कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारा विश्वास परमेश्वर में मौजूद है, अगर हम विश्वास में मजबूती से परमेश्वर को थामे हुए हैं, तो दुनिया की कोई ताकत हमें गिरा नहीं सकती, दुनिया की कोई ताकत हमें हिला नहीं सकती। अगर हम परमेश्वर में सो भी जाएं तो हमारे लिए ये आनंद की बात है, अगर हम परमेश्वर में मृत्यु को प्राप्त भी कर लें तो उसकी दृष्टि में ये अनमोल है। हमें कभी इस बात से अफसोस नहीं करना कि हमारा जानने वाला, हमारे चाहने वाला, हमारा बहुत करीबी, जो विश्वासी था, जो परमेश्वर में सच्ची चाल को चलता था, जो परमेश्वर में ईमानदारी से चलता था, जिसने परमेश्वर में अपनी दौड़ को ईमानदारी से दौड़ कंप्लीट किया, वो परमेश्वर में सो गया, तो हमें इस बात का अफसोस करना नहीं, क्योंकि परमेश्वर के लिए ये अनमोल की बात है, क्योंकि यहोवा के भक्तों की मृत्यु उसके दृष्टि में अनमोल है। खुदा के लोगों, हमें इस बात से अपने मन को नीचा नहीं करना है, अपने मन को छोटा नहीं करना है, बल्कि हमें अपने आप को इसके लिए तैयार करना है कि मैं और आप उस परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य ठहरे, मैं और आप किसी के लिए ठोकर कारण ना बने। जैसा कि शुरुआत में हमने पढ़ा था मत्ती 16:23 में कि उसने मुड़कर पत्रस से कहा, हे शैतान मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। परमेश्वर मुझसे आपसे बिल्कुल नहीं चाहता कि मैं और आप परमेश्वर की बातों पर ना मन लगा के लोगों की बातों पर मन लगाए, नहीं, परमेश्वर मुझसे आपसे चाहता है कि मैं और आप उस परमेश्वर की बातों पर मन लगाएं, कि परमेश्वर हमें अपने वचन के द्वारा सींचता है, परमेश्वर हमें और आपको अपनी सामर्थ्य भरता है, ताकि मैं और आप उस परमेश्वर की उस आशीष को पा सकें जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। आपके याद बताए खत्म करना चाहूंगा जो आपको मिलेगी, याकूब की किताब 1:12, James 1:12 लिखा है, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर वचन द्वारा क्या कर रहा है, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर, दाऊद ने उस परीक्षा के समय में जिस समय गोलियत सामने खड़ा हुआ था, उसकी एक बड़ी परीक्षा थी, चाहता तो हट जाता, हट वहां डर के भाग सकता था, लेकिन परमेश्वर ने जब उसको सामर्थ्य दी, परमेश्वर उसकी अगुवाई करी, तो उसने साफ साफ कहा कि तू तो तलवार भाला और सांग ली आता है, लेकिन परंतु मैं तो यहोवा की सामर्थ्य से आता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपसे और मुझसे यही चाहता है, मैं और आप अपनी सामर्थ्य नहीं, बल्कि परमेश्वर की सामर्थ्य, परमेश्वर के वचन की सामर्थ्य से उन सारी बीमारियों को खत्म कर सकें, उन सारी बीमारियों में विजय प्राप्त कर सकें, उन सारी परेशानियों में जयवंत हो सकें जो परेशानियां हमारे आपके सामने आई हैं और आने वाली हैं। परमेश्वर हमें आगे आने वाले समय के लिए तैयार कर रहा है, इसलिए वो साफ साफ वचन में कह रहा है कि धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा, जीवन का
वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। हालेलुया, हालेलुया। और हम सब जानते हैं कि परमेश्वर जो प्रतिज्ञा करता है वो कभी टलने की नहीं, वो कभी टलती नहीं। कि परमेश्वर ने साफ साफ लिखा है, चाहे पहाड़ हट जाएं और पहाड़ियां टल जाएं, तो अभी मेरी करुणा तुझ पर से कभी ना हटेगी और मेरी शांतिदायक वाचा न टलेगी। यहोवा जो तुझ पर दया करता है उसका यही वचन है। हम परमेश्वर धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर न सिर्फ आज के समय में बल्कि परमेश्वर हमें आगे आने वाले समय के लिए भी तैयार कर रहा है और इस बात के लिए हमें आगाह कर रहा है, हमारी अगुवाई कर रहा है, हमें बता रहा है कि मुझे और आपको सांसारिक बातों पर नहीं बल्कि परमेश्वरी बातों पर, परमेश्वर वचन पर मन लगाना है, परमेश्वर वचन का मनन करना है, ताकि हम उस सच्चाई को जान सकें, उसकी सामर्थ्य पर यकीन कर सकें, विश्वास कर सकें और अपने हर एक काम को परमेश्वर की अगुवाई में कर सकें, ताकि हम उस मुकुट को पाएं, हम उस सिंहासन को प्राप्त कर सकें, उस महिमा को प्राप्त कर सकें, उसके उस अनुग्रह को अपने जीवन में देख सकें जो परमेश्वर ने हमारे अपने जीवन में रखा है। खुदा के लोगों, मैं परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ एक बार फिर से इस बात के लिए जो परमेश्वर ने मुझे मौका दिया, मेरी अगुवाई करी, ताकि मैं इस वचन की उन बातों को जो परमेश्वर ने मुझे अगुवाई करी उन बातों को आपसे बांट सकूं, आपको बता सकूं जो परमेश्वर मुझसे आपसे चाहता है। खुदा के लोगों, आज के समय में, आज की सुबह में बस मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि मैं और आप सांसारिक बातों पर नहीं पर परमेश्वर की बातों पर मन लगाएं, ताकि परमेश्वर हमसे और आपसे नाराज न हो बल्कि खुश होकर कह सके कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। हालेलुया, ये मेरा प्रिय जन है, ये मेरा विश्वासी जन है। खुदा के लोगों, परमेश्वर आपको इस वजह से आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आमेन, आमेन।